हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए लाता रहता हूं दिल के एहसासों से जुड़ी नई नई गजलें, नज्में, गीत, कविताएं। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मशहूर शायर नोमान शौक साहब की एक प्यारी सी गजल, बहते रहना एक बहाना होता है, दरिया को सागर तक जाना होता है। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी पतंग के मांझे की तरह उलझ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। कुछ रिश्ते उलझ जाते हैं, कुछ दिल उलझ जाता है, कुछ एहसास उलझ जाते हैं, कुछ इश्क उलझ जाता है, और कुछ ऐसी ही उलझनों को सुलझाती ये गजल नोमान शौक साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये गजल लिखी और जिंदगी के कई एहसासों को सुलझाने में मदद की। आइए सुनते हैं उनकी ये प्यारी सी गजल। बहते रहना एक बहाना होता है, बहते रहना एक बहाना होता है, बहते रहना एक बहाना होता है, दरिया को सागर तक जाना होता है, दरिया को सागर तक जाना होता है। हर रिश्ते की उम्र मुकर्रर होती है, हर रिश्ते की उम्र मुकर्रर होती है, मजबूरन भी हाथ छुड़ाना होता है, मजबूरन भी हाथ छुड़ाना होता है, दरिया को सागर तक जाना होता है। दुनिया की सारी अच्छी तस्वीरों में, दुनिया की सारी अच्छी तस्वीरों में, एक चेहरा जाना पहचाना होता है, एक चेहरा जाना पहचाना होता है, दरिया को सागर तक जाना होता है। कच्चे रंगों वाली तितली क्या जाने, कच्चे रंगों वाली तितली क्या जाने, बारिश में भी साथ निभाना होता है, बारिश में भी साथ निभाना होता है, दरिया को सागर तक जाना होता है। सबसे गहरी होती है लफ्जों की चोट, सबसे गहरी होती है लफ्जों की चोट, लहजे का भी वार बचाना होता है, बहते रहना एक बहाना होता है, दरिया को सागर तक जाना होता है, दरिया को सागर तक जाना होता है।